हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये आवाज़ आपने रेडियो पर ज़रूर सुनी होगी और कई बार तो यूट्यूब पर भी बउआ यानी आरजे रौनक को देखा ही होगा। रेडियो जॉकी और यूट्यूबर आरजे रौनक इन दिनों मुश्किलों में पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उनके मुश्किल में पड़ने की वजह है उनका एक वीडियो जिसमें वो महान क्रांतिकारी टंट्या भील, जिन्हें टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी तुलना एक डाकू से कर रहे हैं और यही 6 सेकंड का वीडियो अब विवाद खड़ा कर रहा है। साधु लगता है, मतलब उनके सामने तो सुल्ताना डाकू भी मेरठ के किसी गली मोहल्ले का चप्पल चोर लगता है, सच बता रहा। दरअसल आरजे रौनक ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो टंट्या भील की तुलना सुल्ताना डाकू से करते सुनाई दे रहे थे। उनके इसी वीडियो पर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे आदिवासी समाज के देवता तुल्य टंट्या मामा के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले यूट्यूबर आरजे रौनक का कृत्य माफी योग्य नहीं है। यूट्यूबर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासी समाज के सर्वाधिक सम्मानीय टंट्या मामा के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो क्षमा योग्य नहीं है। अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें जो कहना था वो कह दिया। कला और मनोरंजन की आड़ में अपमान करना अपराध की श्रेणी में आता है। विवाद मचा तो यूट्यूबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और आरजे रौनक ने वीडियो डिलीट करते हुए एक्स पर माफी मांगी। रौनक ने लिखा कि हेलो आरजे रौनक, यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए हमारे ताज़ा वीडियो में महान आदिवासी क्रांतिकारी श्री टंट्या भील जी की तस्वीर गलत संदर्भ में प्रयोग की गई थी। जैसे ही इस ओर ध्यान दिया गया हमने फौरन इसे हटा लिया। अनजाने में हुई इस भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको बता दें कि आरजे रौनक उन्हीं चुनिंदा यूट्यूबर्स में से हैं जिनका कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में सम्मान भी किया था। लेकिन अब टंट्या मामा पर की गई उनकी टिप्पणी उनका कितना नुकसान करती है ये देखने वाली बात होगी। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।